हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डायमंड एडू केयर। होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जनरली आप सबको पता ही होगा, ये रेगुलर नाम हम लोग लेते हैं। किसी को भी फीवर हो जाता है, पेन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में से हम देते हैं। कोई भी कहता है फीवर हो गया, अरे पीसीएम दे दो भाई इसे, तब तो ये कॉमन नेम है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सो आप इस वीडियो को फुल देखिए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ सो प्रीसियस। सो आर टॉपिक इज़ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर। सो इट इज़ नॉन प्रेस्क्राइब ड्रग एंड ऑप्टेन बाई केमिस्ट। मीन्स की पैरासीटामोल और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पीसीएम, इसके लिए किसी भी तरह की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि होता क्या है कि कुछ ड्रग्स अगर आप और मेडिसिन मीन्स कि आप लेने जाते हो केमिस्ट शॉप पे, तो वो बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। बट पैरासीटामोल जो होता है, इसके लिए किसी भी तरह की प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम पीसीएम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पीसीएम का, वो अननोन है। बट दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जनरली यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इट रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ COX-3 एंजाइम दैट प्रेजेंट इन ब्रेन एंड इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन ब्रेन बट इन डॉग ब्रेन इट इज़ आइडेंटिफाइड। एंड सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पीसीएम जो है इनहिबिट करता है री अपटेक ऑफ कैनाबिनॉइड्स लाइक एनंडामाइड। तो होता क्या है कि जब ये इनहिबिट करता है री अपटेक, देन जो एनंडामाइड का लेवल होता है वो इंक्रीज करता है एंड देन एक्ट ऑन अदर न्यूरॉन रिसेप्टर्स लाइक TRPV1 एंड बाय रिड्यूसिंग दिस रिसेप्टर इट रिड्यूस पेन। डोज ऑफ पीसीएम, सो वी ऑल नो पीसीएम इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग। अगर हम रिसेंट FDA वार्निंग की बात करें तो सिंगल टैबलेट जो होता है पीसीएम का शुड नॉट एक्सीड 325 mg ऑफ एक्टिव पीसीएम। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डोज इंक्रीज़ किया, देन या तो ये पॉइजनस हो जाएगा या तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। सो वन टैबलेट कैन कंटेन लेस दैन 325 mg। नेक्स्ट वन इज़ पीसीएम पॉइजनिंग। सो पीसीएम पॉइजनिंग इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन एज कम्पेयर टू एडल्ट्स एंड फैटल डोज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 250 mg/kg। अब हम बात करते हैं पीसीएम के मेटाबॉलिज्म की। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम पीसीएम देते हैं देन ये कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। तो जब हम पीसीएम देते हैं किसी पर्सन को, देन ये लीवर में जाता है बाय phase 1 रिएक्शन एंड इट कैरिड आउट बाय एंजाइम CYP2E2 एंड देन पीसीएम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक मेटाबोलाइट में एंड उस मेटाबोलाइट का नाम है NAPQI एंड देन इट एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। बट नॉर्मल डोज में क्या होता है, इट गेट्स अंडरगो phase 2 रिएक्शन। phase 1 रिएक्शन में ना जाके ये phase 2 रिएक्शन में जाता है। और वी ऑल नो phase 2 रिएक्शन में क्या होता है कि ये ग्लूकोरोनाइट ग्रुप से अटैच होगा एंड मेक इट वाटर सोल्यूबल एंड देन एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। बट इफ़ टेकन हाई डोज देन इट एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन बाई ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। सो माई क्वेश्चन इज Why PCM toxicity occurs? PCM toxicity आखिर होता क्यों है? तो answer है due to accumulation of NAPQI metabolite in liver part only in liver part. NAPQI के accumulation की वजह से PCM toxicity occurs होता है, क्योंकि जो NAPQI मेटाबोलाइट है ये हाईली टॉक्सिक होता है बिकॉज इट कंटेन फ्री रेडिकल्स एंड इट कॉज फ्री रेडिकल डैमेज एंड एट लीड्स टू हिपेटोटॉक्सिसिटी। अब हम पीसीएम पॉइजनिंग की क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। सो इफ़ टेकन हाई डोज ऑफ पीसीएम अर्ली मीन्स लेस दैन 12 आवर्स, देन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं डैट इज़ नॉजिया, वोमिटिंग, एबडोमिनल पेन एंड द लीवर टेंडरनेस। बट इफ़ टेकन इन पीरियड ऑफ 12 to 48 hours, दैट इज़ डेंजरस टाइम पीरियड विच लेड्स टू हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिक हाइपोग्लाइसेमिया एंड नेफ्रोटॉक्सिक ऑल्सो लेड टू रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। बट इफ़ टेकन इन मोर दैन 48 आवर्स देन इट लीड्स टू जॉइंटिस।
अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं विच इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। सो मोस्ट कॉमन फैक्टर इज इंक्रीज नैप क्यूआई फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन एंड इट मोर सीन इन एल्कोहलिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज एल्कोहल इंड्यूस CYP2E1 इंजाइम, देन PCM मोर कन्वर्टेड इंटू नैप क्यूआई एंड इट इनहिबिट ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, सो इट डिप्लीट्स स्टोर्स ऑफ ग्लूटाथियोन। सो अगर कोई पर्सन एल्कोहल ले रहा है देन वी शुड नॉट गिव PCM टू हिम। देयर आर सम ड्रग्स ऑल्सो लाइक आइसोनियाजिड जिडोवुडिन ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ PCM टॉक्सिसिटी बिकॉज इट ऑल्सो इंड्यूस CYP2E1 इंजाइम। लास्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ PCM पॉइजनिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिमूव अनअब्सॉर्ब्ड PCM प्रेजेंट इन स्टमक बाय गिविंग एमेटिक्स गैस्ट्रिक लेविस एक्टिवेटेड चारकोल, ओनली गिवेन अप टू 4 hours ऑफ इंजेक्शन, नॉट गिवेन आफ्टर 4 hours। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज गिवेन एंटीडोट लाइक एन एसिटाइल सिस्टीन दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। Mechanism of action is regenerate store of glutathions. N-acetylcysteine के कुछ alternative हम use कर सकते हैं like methionine और cysteamine. And the third treatment is forced alkaline diuresis or hemodialysis. It is all about PCM or acetaminophen.